हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स आज है हमारा लिमिट्स का पार्ट 4 कैलकुलस सीरीज में, और इस वीडियो में हम तीन टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट ऑफ एक्स रेस टू एन की बात करेंगे, और लिमिट ऑफ अ पॉलीनोम की बात करेंगे। इसके पहले हमने तीन वीडियोस निकाले जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ लिमिट की बात की थी, फिर लिमिट के आइडियाज़ और वो सब समझने की कोशिश की थी। तो अगर आपको लिमिट की बेसिक्स जो डेफिनेशन है उसके पहले जो आइडिया ऑफ लिमिट्स की बात में हमने समझा था एग्जाम्पल्स के जरिए, तो अगर आपको बेसिक्स ऑफ लिमिट समझना है ज़रूर हमारे पिछले तीन वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला है टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स के रिलेटेड अलजेब्रा प्लस माइनस वो सब वो क्या होता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसका लिमिट एग्जिस्ट होता है एट एक्स टेंड्स टू ए, एन बी इक्वल टू एल, और उस जो लिमिट की वैल्यू है वो एल है। एंड लेट लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स फंक्शन है और जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है जिनका लिमिट एग्जिस्ट होता है व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, एंड उस लिमिट जी ऑफ एक्स का लिमिट जो है वो एम के बराबर है, एफ ऑफ एक्स का एल के बराबर, जी ऑफ एक्स का एम के बराबर। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी वो क्या है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट होती है, लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट होती है एक्स टेंड्स टू ए व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट होती है एट एक्स टेंड्स टू ए, और उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम देखेंगे। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया, जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, और लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है एल और लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एम। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज एल प्लस एम, क्योंकि इंडिविजुअल लिमिट क्या है हमारी एल है और एम है, तो वो दोनों का प्लस हो जाएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, मतलब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट होती है और लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट होते हैं व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, और इसकी वैल्यू क्या होगी कि लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इंटू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए व्हिच इज इक्वल्स टू एल इंटू एम। हम लिमिट पुट कर देंगे तो एल इंटू एम हो जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन एम नॉट इक्वल टू जीरो क्यू, तो आप देखेंगे अगर क्यू एम नॉट इक्वल टू जीरो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, और उसकी वैल्यू क्या होगी कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, इंडिविजुअली हम लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स आएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए डिवाइड बाई लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए व्हिच इज इक्वल्स टू एल अपॉन एम। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एम नॉट इक्वल टू जीरो, अगर एल अपॉन एम में एम जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन दी है। अगर ये एम नॉट इक्वल टू जीरो है हमारा जो लिमिट है जी ऑफ एक्स की, और लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्जिस्ट होती होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी एल अपॉन एम, ये कंडीशन चाहिए होगी डिवीजन के लिए, ऐसी कोई कंडीशन दूसरे प्रॉपर्टीज़ में नहीं लगती। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एफ ऑफ एक्स अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स समझ लो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, दैट इज लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी एक कॉन्स्टेंट है, देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू सी। अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा तो उसकी लिमिट भी वही हो जाएगी, वो कॉन्स्टेंट ही उसकी लिमिट हो जाएगी, और उसके बाद ऐसे बोल सकते हैं लिमिट ऑफ कॉन्स्टेंट व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये एक प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज़ करेंगे आगे, और ये प्रॉपर्टी जो हमने सीखी अभी इसमें यूज़ करेंगे कि लिमिट ऑफ सी इंटू एफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू सी इंटू लिमिट ऑफ एफ एफ एक्स। क्यों? बिकॉज लिमिट ऑफ सी इंटू एफ एफ एक्स बाई यूजिंग प्रॉपर्टी टू। तो प्रॉपर्टी टू क्या है कि जब लिमिट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की लिमिट दी हो तो लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट होती है व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, और उसकी वैल्यू क्या है एल इंटू एम। तो यहाँ पे भाई ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाएगी, लिमिट ऑफ सी इंटू एफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए बाई यूजिंग प्रॉपर्टी टू, तो लिमिट ऑफ सी इंटू एफ एफ एक्स क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ सी इंटू लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, और लिमिट ऑफ सी क्या हमको दिया है अभी हमने देखा कि लिमिट ऑफ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू सी इंटू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, मतलब एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है उसमें अगर कोई आप कॉन्स्टेंट निकाल पा रहे हो कॉमन तो लिमिट के ही बाहर निकल जाएगा, उसका ये प्रॉपर्टी का ही मीनिंग होता है कि आप उस कॉन्स्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि आपको 2x फंक्शन दिया है, लिमिट फाइंड करो 2x फंक्शन की व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, तो क्या होगा आप 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकालेंगे कॉन्स्टेंट और हो जाएगा 2 लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, इसका ये प्रॉपर्टी का ये मीनिंग निकल रहा है। अब इसका हम
इस्तेमाल करेंगे इसमें कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स टेन एक्स टेंस टू ए क्या होगा हम देखेंगे। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को मैं कैसे लिखता हूँ कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वन ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ ना, ऐसा प्लस लिख के मैंने माइनस वन ऑफ जी ऑफ एक्स लिख लिया। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आप इंडिविजुअली दोनों में लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंस टू ए प्लस लिमिट ऑफ माइनस वन ऑफ जी ऑफ एक्स वन एक्स टेंस टू ए, और यह माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो हमने बाहर निकाल दिया। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंस टू ए माइनस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स वन एक्स टेंस टू ए, बिकॉज लिमिट ऑफ ये प्रॉपर्टी हमने जो थी कि लिमिट ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज सी इंटू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका प्रॉपर्टी यूज करके, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया कि लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स वन एक्स टेंस टू ए। तो ये हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और ये सब जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी है हमको जो हम एग्जाम्पल्स करेंगे लिमिट की, तब ये सारी प्रॉपर्टीज हमको कायम रहेगी। अभी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी है, पहले सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे लिमिट्स के रिलेटेड और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उनकी हमको फिक्र नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको प्रूव करना है, हमने जो दूसरी जो हमारा पॉइंट था आज का टॉपिक का, वो क्या है कि प्रूव दैट लिमिट ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन व्हेन एक्स टेंस टू ए, और ए और एन जो है हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, ये प्रॉपर्टी हमको प्रूव करनी है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन एन, और आप इंडक्शन आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा इंडक्शन क्या है, हम सीधा इंडक्शन से यूज़ करके सॉल्व कर देंगे। तो दैट इज लेट पी ऑफ एन, मतलब हम इंडक्शन ऑन एन यूज़ करेंगे, इसलिए हम पी ऑफ एन एक बनाया, और पी ऑफ एन क्या है कि लिमिट ऑफ एक्स रेस टू एन व्हेन एक्स टेंस टू ए इक्वल्स टू ए रेस टू एन, ये हमारा पी ऑफ एन है, इसको हमको प्रूव करना है बाय इंडक्शन। इंडक्शन का पहले क्या काम करता है कि हम एन को वन ले लेते हैं, तो पहले हम एन को वन लेके चेक करेंगे पी ऑफ वन विच इज इक्वल्स टू क्या होगा कि लिमिट ऑफ एन के जगह वन आ जाएगा मैं एक्स रेस टू वन व्हेन एक्स टेंस टू ए इज इक्वल्स टू ए, और ये तो हर बार सच होगा, लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू ए इज इक्वल्स टू ए, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है सीधी लिमिट्स की, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा प्रूव करने की, मतलब फॉर एन इज इक्वल्स टू वन दिस कंजक्शन इज ट्रू या दिस इज ट्रू। हम क्या करेंगे कि सपोज दैट दिस इज ट्रू, ये जो हमारा जो पी ऑफ एन जो हमने सपोज किया था वो ट्रू है फॉर एन इज इक्वल्स टू के, जब एन के हो जाएगा तब तक उन सारी वैल्यूज़ के लिए ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है, ऐसा हमने मान लिया है। ये हम वही करते हैं ना सिंपली, ये पहले वन के लिए चेक करते हैं फिर के लिए हम बोल देते हैं कि वो ट्रू है, सपोज कर लेते हैं इंडक्शन में, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर पी ऑफ के जो होगा हमारा लिमिट ऑफ एक्स रेस टू के व्हेन एक्स टेंस टू ए इज इक्वल्स टू ए रेस टू के, ये हमारा ट्रू है, हमने ये मान लिया है। तो अभी सो वी हैव टू प्रूव इट फॉर, सो नाउ वी हैव टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। पहले वन के लिए चेक किया फिर हमने बोल दिया कि भाई के लिए सच है, अब हम के प्लस वन के लिए चेक कर लेंगे, इसलिए हमारा काम हो जाएगा अगर ये कर दिया तो। हैंस देयर फॉर पी ऑफ के प्लस वन क्या होगा हमारा, कि वो हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स रेस टू के प्लस वन व्हेन एक्स टेंस टू ए इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स रेस टू के प्लस वन को मैं एक्स रेस टू के इन टू एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये के और ये वन के प्लस वन हो जाएगा, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम। फिर हम हमने एक्स रेस टू के प्लस वन को एक्स रेस टू के इन टू एक्स में स्प्लिट कर दिया। अब हमारा जो प्रॉपर्टी टू है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू ए इज क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वही अप्लाई कर देंगे इंडिविजुअली दोनों में अप्लाई कर देंगे लिमिट, ये लिमिट ऑफ एक्स रेस टू के व्हेन एक्स टेंस टू वन प्रॉपर्टी टू का इस्तेमाल करके इंटू लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू ए, और इसका आंसर तो हमको पता ही है क्योंकि हमने माना था कि सपोज दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के, तो ये प्रॉपर्टी जो एन इज इक्वल के ट्रू है, इसलिए यहाँ पे मैं सीधा ए रेस टू के लिख सकता हूँ, और लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू ए तो ए ही है, और ये वन हो जाएगा, मतलब ए रेस टू के इंटू ए रेस टू वन क्या होगा
तो वो हो जाएगा ए रेज टू के प्लस वन. देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए व्हेन एक्स रेज टू के प्लस वन इज इक्वल टू ए रेज टू के प्लस वन. सो वन के लिए प्रूव किया, के लिए सपोज किया कि वो ट्रू है, और के प्लस वन के लिए हमने वो साबित कर दिया कि ये सच है ये प्रॉपर्टी. देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. तो हमारे ये प्रूव हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है. अब नेक्स्ट में आते हैं. सिमिलरली बाय यूजिंग इंडक्शन वी कैन प्रूव दैट. ऐसे ही हम जैसे इस प्रॉपर्टी के लिए इंडक्शन यूज़ किया था, हम इस प्रॉपर्टी के लिए भी इंडक्शन यूज़ करते हैं. और हमें क्या प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव क्या करना है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ वन एफ वन ऑफ एक्स प्लस एफ टू एफ अप टू एफ एन ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ वन ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए लिमिट ऑफ एफ टू ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए अप टू लिमिट ऑफ एफ एन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए. तो हम इंडक्शन को यूज़ करके इस प्रॉपर्टी को इजीली प्रूव कर सकते हैं. तो मैंने अभी यहाँ प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ मैं क्या करना है कि पहले आप तो पहले हमने पी ऑफ एन के लिए उसमें प्रीवियस से हम एग्जांपल में किया था, यहाँ पे भी हम पी ऑफ एन लिख लेंगे पूरा. फिर हम लिखेंगे पी ऑफ वन के लिए. तो पी ऑफ एन इज इक्वल्स टू वन क्या होगा हमारा कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ वन ऑफ एक्स मैन एक्सटेंस टू एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ वन ऑफ एक्स मैन एक्सटेंस टू है. तो ये तो सच ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं. फिर हम सपोज कर लेंगे भाई एन इज इक्वल्स टू के लिए ट्रू है, तो वो पूरा के लिए लिख देंगे. और फिर के प्लस वन के लिए लिखेंगे, और के प्लस वन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एन प्लस वन के की जगह यहाँ पे एन है. और इस ब्रैकेट को हम अलग कर देंगे और लिमिट इस ब्रैकेट, क्योंकि लिमिट हमने प्रॉपर्टी सीखी है ना कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स. तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ये पूरा लिख लेंगे एन के लिए, और फिर एन प्लस वन के लिए अलग लिख लेंगे. और ये तो हमने बोला ही है कि सपोज किया ही है कि दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. तो इसके बजाय ये पूरा स्प्लिट करके लिख लेंगे और प्लस ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एन प्लस वन ऑफ एक्स वैन एक्स टेंस टू ए. तो ये आ जाएगा एक्स्ट्रा. तो हमारा ये पूरा थ्योरम ट्रू हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा बाई यूजिंग इंडक्शन. तो मैंने हिंट दे दी है, आप अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कीजिएगा. अगर मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ एफ ऑफ एन प्लस वन ऑफ एक्स, तो आप प्रूव करना चाहते हो तो कर सकते हो. हमारा आज वीडियो का आज का हमारा लास्ट टॉपिक वो है लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब हमने ये पूरी जो प्रॉपर्टीज सीखी, स्पेशली ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी और हमारा सी वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, अब इन दोनों का यूज़ करके हम जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों का यूज़ करके हमने क्यों प्रूव किया इन दोनों को, क्योंकि हमको ये प्रूव करना था कि लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इन दोनों का यूज़ होगा. तो आप देख पा रहे हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एन एक्स रेस टू एन सी एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन अप टू सी जीरो. ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया वेयर सी एन नॉट इक्वल टू जीरो. अगर सी एन जीरो हो जाएगा तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल ऑफ एन नहीं रहेगा, ये हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता. नहीं तो पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री नहीं, एन माइनस वन डिग्री हो जाएगा, और वो हम नहीं ले सकते. इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी है, क्योंकि हमको बोला है कि लेट एफ ऑफ एक्स लेट दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, और वो एन रहने के लिए हमारे सी ऑफ एन नॉट इक्वल टू जीरो होना ज़रूरी है. ओके, नाउ टू प्रूव करना है, अभी हमको क्या करेंगे कि हम इन दोनों के साइड हम लिमिट अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट ऑफ एफ एक्स वेन एक्स टेंस टू है इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सी एन एक्स रेस टू एन सी एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन अप टू ऑफ सी जीरो वेन एक्स टेंस टू है. और आप इन सब इंडिविजुअल को एफ ऑफ वन ऑफ एफ टू ऑफ एफ वन एफ एन ऑफ एक्स मान सकते हैं. और अब प्रीवियस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे. इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, इंडिविजुअली अप्लाई कर देते हैं प्रॉपर्टी. तो ये हो जाएगा हमारा cn एक्स रेस टू एन प्लस हो जाएगा लिमिट सी एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन एक्स टेंस टू ए प्लस प्लस अप टू लिमिट ऑफ सी जीरो वैन एक्स टेंस टू ए इज इक्वल्स टू. अब पता है कि कांस्टेंट जो है हमारा वो लिमिट के बाहर आता है, वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी. वो तो कांस्टेंट बाहर लेते थे, वो क्या हो जाएगा cn माइनस वन cn आएगा cn लिमिट ऑफ x रेस टू n व्हेन x टेंस टू a प्लस हो जाएगा cn माइनस वन लिमिट ऑफ x n माइनस वन व्हेन x टेंस टू a अप टू अप. अब लिमिट ऑफ c जीरो क्या होगा, हमने पता है, हमने पढ़ा ही था कि लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, देयरफॉर लिमिट ऑफ c जीरो इज नथिंग बट c जीरो. ये हमने बाय प्रॉपर्टी लिख लिया इज इक्वल टू. अब लिमिट ऑफ एक्स रेस टू एन क्या, अभी हमने पढ़ा कि लिमिट ऑफ एक्स रेस टू एन प्रूव भी किया हमने, वो है ए रेस टू एन वैन एक्स टेंस टू ए. तो ये हमने ए रेस टू एन लिख लिया यहाँ पे.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेस टू एन माइनस वन आ जाएगा अप टू सी जीरो। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हेन एक्स टेंड्स टू ए ए सी एन ए रेस टू एन प्लस सी एन माइनस वन ए रेस टू एन माइनस वन अप टू सी जीरो। तो क्या हो रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसमें कुछ नहीं करना है, कॉन्स्टेंट तो ऐसे के वैसा ही रहेगा, बस एक्स की जगह हमको ए लिख देना है, सारे में एक्स की जगह ए लिख देना है, बस यही हमारा काम है। तो कोई भी पॉलिनोमियल आपको देते हैं उसका लिमिट फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट तो अपनी जगह ही रहेगा, पहले तो लिमिट इंडिविजुअल अप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट तो उसकी जगह ही रहेगा और एक्स रेस टू एन की जगह हमारा जो भी ए दिया है वो हो जाएगा ए रेस टू एन हो जाएगा। तो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं इसके रिलेटेड तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो हमको फाइंड करना है कि फाइंड क्वेश्चन हमारा फाइंड लिमिट ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन, यहाँ पे टू एक्स क्यूब सॉरी 2D होगा। अब इसका लिमिट फाइंड करना है, देयरफॉर लिमिट ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 व्हेन x टेंड्स टू, हाँ x टेंड्स टू दिखाई देगा, x टेंड्स टू ये हमको 2, x टेंड्स टू 2। तो क्या होगा, मैंने बोला कि कांस्टेंट तो ऐसे के वैसा ही रहेगा और x की जगह a आ जाएगा, a क्या है हमारा 2, मतलब 2 क्यूब हो जाएगा प्लस कांस्टेंट वैसे के वैसा ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1। हमने प्रॉपर्टी अभी प्रूव किया ना कि कांस्टेंट तो वैसे के वैसा ही रहेगा, लिमिट इंडिविजुअल अप्लाई होगी कांस्टेंट वैसे के वैसा रहेगा बाहर निकल जाएगा उस, और एक्चुअल में लिमिट x पे अप्लाई होगी और x रेस टू n तो a रेस टू n है, तो x क्यूब हमारा एक क्यूब हो जाएगा मतलब 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 ऐसे हो जाएगा। तो बहुत ईजी है हमारा लिमिट ऑफ फॉलोइंग। तो अभी इसका फाइंड कर ले रहे हैं, 2 क्यूब हमारा होगा 8 मतलब 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 10 प्लस 1। और इसका फाइनल आंसर है हमारा 16 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 1 इस इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 मतलब 16 प्लस 3 19। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 2 इज 19, ये हमारा आंसर हो गया। सो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।